हाय स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग लेसन फोरटीन का एक्सरसाइजेस देखेंगे लेसन फोर्टीन द क्लवर गर्ल क्लवर गर्ल का एक्सरसाइजेस देखेंगे एक्सरसाइज वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हु वाज द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद कौन था द्वारिका प्रसाद कौन था ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से सीखिएगा ठीक है वन वर्ड क्वेश्चन हु ओड मनी टू द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद कौन था और द्वारिका प्रसाद से हु ओड मनी कौन ऋणदार था किसको द्वारिका प्रसाद को uh, कर्जा चुकाना है ऋण चुकाना है वॉट वॉज द बार्गेन प्रपोज्ड बाई हिम ये द्वारिका प्रसाद ही बार्गेन किया था ना सौदा किया था सो वॉट वॉज दैट सौदा वो सौदा क्या था डिंटू डिट मिंटू राम अग्री टू द प्रपोजल मिन्टू राम वो प्रपोजल जो बार्गेन प्रपोज किया था सुझाव दिया था प्रस्ताव रखा था उसको उसने अग्री किया हाउ डिड माधवी ट्रिक द मनी लेंडर मनी लेंडर को माधवी ने कैसे ट्रिक किया ट्रिक किया मतलब वो उसको देख ली थी जिस वजह से वो एक मोती निकाल एक कंकड़ निकालती है और उसको गिरा देती है जमीन पे। सब उसमें जाके मिल जाता है तो हम लोग किताब से उसका आंसर लिखा हुआ हम लोग देखते हैं ठीक है क्लवर अगर एक्सरसाइज वन Answer the following questions. Who was Dwarkanath Prasad? Dwarkanath Prasad was an old mean money lender. Dwarkanath Prasad was an old mean money lender. ये किताब में भी है जहाँ मैंने स्क्रिप्ट आपको वीडियो करके भेजा है उसमें लिखा हुआ है. Dwarkanath Prasad कौन है? वो एक बु, बुजुर्ग मीन मतलब नीच मनी लेंडर सौदा साहूकार जो पैसा आ, कर्ज में देता है हु ओड मनी टू द्वारिका प्रसाद ये मनी लेंडर द्वारिका प्रसाद को हु ओड मनी हु मनी किसको पैसा देना था कौन कर्जदार है कौन कर्जदार है मिंटू राम ठीक है मिंटू राम ओल्ड मनी टू द्वारिका प्रसाद मिंटू राम ओल्ड मनी टू द्वारिका प्रसाद क्वेश्चन नंबर सी वॉट वॉज द बार्गेन प्रपोज्ड बाय हिम वॉट वॉज द बार्गेन प्रपोज्ड बाय हिम द बार्गेन प्रपोज्ड बाय हिम वॉज दैट ही वुड कैंसल The merchant's debt if he would give him his daughter madhavi in marriage, क्या उसका सौदा था उसका सौदा क्या था उसका सौदा था कि यदि वो अपने बेटी माधवी को उस मनी लेंडर से शादी कराएगी कराएगा तो वो डेट uh, को क्या करेगा कैंसिल कर देगा वो ही विल गिव हिम डेट दैट ही वुड कैंसिल द मर्चेंट्स डेट यानि द्वारिका प्रसाद मर्चेंट के डेट को कैंसिल कर देगा इफ़ यदि वो अपनी बेटी को गिव हिम हिज डॉटर अपनी बेटी को शादी के लिए देगा मैरिज कराएगा शादी कराएगा देन क्वेश्चन नंबर डी डिड मिंटू राम डिड मिंटू राम अग्री टू द प्रपोजल क्या मिंटू राम ने उस प्रस्ताव को अग्री किया एक्सेप्ट किया क्या किया एक्सेप्ट तो किया ना? Yes, yeah, yes or no question है ना इसीलिए यस ये यस और नो क्वेश्चन है यस और नो क्वेश्चन याद कीजिए यस yes, मिन्टू राम अग्रीड टू द प्रपोजल लेकिन बट रिलेक्टेंटली रिलेक्टेंटली मुश्किल से अनिच्छा से ही वो एक्सेप्ट कर अग्री तो करता है लेकिन अनिच्छा से अग्री करता है क्वेश्चन नंबर ई हाउ डिड माधवी ट्रिक द मनी लेंडर माधवी माधवी मनी लेंडर को कैसे ट्रिक की है कैसे की है माधवी पुट हर हैंड वो अपने हाथ को इन टू द बैग वो एम बैग में जो दो कंकड़ डाला था ना मनी लैंडर उसमें माधवी अपना हाथ डालती हैं एंड ड्रू आउट अबुल एक पेबुल को लेती है बट विदाउट लुकिंग एट इट शी फम्बल्ड एंड लेट इट मिक्स लेट द पेबल फॉल ऑन द पाथ वो क्या करती है गड़बड़ कर देती है और वो उसका जो उठाती है कंकड़ उसको दूसरे कंकड़ों में मिला देती है फॉल ऑन द पाथ वेयर इट वॉज इमीडिएटली मिक्स्ड अमंग ऑल अदर पेबल्स दूसरे कंकड़ों में जाके वो मिल गया इसीलिए वो जो उठाई थी वो कौन कलर का था क्या था वो मनी लैंडर पहचान नहीं पाया हुं? उसको पहचान दी नहीं है एक्चुअली वो वही ट्रिक है हुँ? वो दो उठाया और ये क्या कि एक गिरा के ऐसिफ क्या कलर वो उठाई जैसे नहीं दिखाई वही उसका ट्रिक है ठीक है ये क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी तरह सीखेंगे और परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे अभी सेकंड टर्म एग्ज़ाम भी है उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम भी जल्दी होगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को अच्छा से पढ़ के बाय हार्ट करते रहेंगे स्पेशली पोएम्स बाय हार्ट करेंगे पोएम्स को भी बाय हार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करेंगे ग्रामर सब याद करेंगे ठीक है अभी एक्सरसाइज टू मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग मतलब ये जो शब्द है यहाँ किताब में देखिए मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग क्या है हरीफाइड हरीफाइड मतलब भय भाय, भय भयभीत शार्प शार तेज अंक फंबल बार्गेन एक साथ लिखा है लेकिन फंबल अलग है बार्गेन अलग है ठीक है देन कैंसल सजेशन प्रपोजल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात शब्द है हरिफाई डरना भयभीत होना शार्प आई तेज आंख फंबल टटोलना फंबल अलग टटोलना बार्गेन सौदा कैंसल रद्द करना सजेशन प्रस्ताव रखना उसके बाद प्रपोजल भी प्रस्ताव सजेशन भी प्रस्ताव है प्रपोजल भी प्रस्ताव है सुझाव बोलिए या प्रस्ताव बोलिए सजेशन को सुझाव मानिए प्रपोजल को प्रस्ताव मानिए चलेगा ठीक है ये दोनों संज्ञा है सजेस्ट वर्ब है प्रपोज वर्ब है लेकिन यहां दोनों संज्ञा है अब हम लोग इन शब्दों से वाक्य बनाते हैं कैसे वाक्य बनाते हैं हॉरीफाइड भयाकुल द फैमिली ऑफ मिंटू राम वॉज हॉरीफाइड बस सिंपल सेंटेंस है इसको हम बहुत बड़ा नहीं बनाएं ताकि आप आसानी से इसको बाय हार्ट कर लें द फैमिली ऑफ मिंटू राम वॉज हॉरीफाइड हॉरीफाइड से शब्द बनाए थे सो हॉरीफाइड ओके देन शार्प आइड शार्प आइड तेज आंख वाली माधवी नोटिस्ट विद हर शार्प आई माधवी नोटिस्ट विद हर शार्प आई देन

द्वारिका प्रपोस्ड अ बार्गेन फिर सेंटेंस काफ़ी छोटा बना के आपके लिए आसान कर दिया गया आप अपना वाक्य हमेशा सही बना सकते हैं कोई मन कोई यह नहीं है कि आपको यही वाक्य सीखना है यह वाक्य सीखने के लिए है लेकिन यदि आप अर्थ समझ गए और अर्थ के अनुसार आप सुंदर वाक्य अपने से बना देते हैं तो वो भी सही है ठीक है सो द्वारिका प्रपोज ए बार्गेन हम लोग बार्गेन से शब्द बार्गेन शब्द से वाक्य बना रहे हैं देन नेक्स्ट क्या है कैंसल रद्द करना ही वुड कैंसल द डेट ऑफ द मर्चेंट ही वुड कैंसल द डेट ऑफ द मर्चेंट मर्चेंट का डेट ऋण को डेट मीन ऋण को कैंसल कर देगा देन सजेशन सुझाव या प्रस्ताव दे वेर गिवन ए सजेशन देखिए हम लोग इसको लंबा सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन छोटा सेंटेंस ही है और सीखने लायक है सो दे वेर गिवन ए सजेशन सजेशन पर आप वाक्य बना रहे हैं दे वेयर गिवन ए सजेशन यहाँ पार्ट से यदि दे हम देखेंगे कौन है वो मिंटूराम और उसकी बेटी प्रपोजल प्रस्ताव रिलक्टेंटली द मर्चेंट अग्रीड द प्रपोजल या द मर्चेंट अग्रीड द प्रोपोजल रिलेक्टेंटली किताब में रिलेक्टेंटली से स्टार्ट होता है इसीलिए उसी तरह का वाक्य बनाया है रिलक्टेंटली द मर्चेंट अग्रीड द प्रपोजल हो गया आपका वाक्य बनाना और हम अभी तीसरा एक्सरसाइज पे आते हैं तीसरा एक्सरसाइज तीसरा एक्सरसाइज क्या है Complete the following sentences with the right words from the brackets. Complete the following sentences with the right words from the brackets. First, hai? The family of Minturam was dash with the suggestion of Dwarika Prasad. Hmm? Family of Minturam was dash with the suggestion of ऑफ़ द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद के सजेशन से फैमिली ऑफ मिंटू राम को क्या हुआ हैप्पी विथ खुश थे या हॉरीफाइड थे भयभीत थे तो आप क्या लिखेंगे इसमें जो शब्द सही लिखेगा उसको इस खालिस्तान में भरना है ठीक है तो क्या है इसमें से सही हॉरीफाइड बाई ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे द फैमिली ऑफ मिंटू राम वॉज हॉरीफाइड बाई हॉरीफाइड यहाँ बाई नहीं लिखेंगे हॉरीफाइड विद द सजेशन ऑफ द्वारिका प्रसाद सेकेंड बी द्थ ऑफ़ द मर्चेंट्स गार्डन वॉज फुल ऑफ मर्चेंट के गार्डन में फुल ऑफ क्या थे फ्लावर्स थे कि पेबल्स थे फ्लावर्स तो होंगे लेकिन हम लोग पेबल्स के बीच में काम किए इसलिए यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा फेबल्स आएगा द गर्ल पुट हर हैंड इन टू द बैग एंड ड्रू आउट अ ब्लैक क्विन था या फेबुल था फेबुल ओके फेबुल करेक्ट है माधवी डैश दैट ही पिक्ट अपेबल्स माध वी थाट या नोटिस्ट थाट मतलब सोचना हुआ नोटिस मतलब देखना हुआ सो so, वो अपने शॉर्ट आई से माधवी डैश दैट ही पिकटअप टू ब्लैक फेबल्स क्या नोटिस करती है ना येस yes. तो हम लोग क्या लिखेंगे माधवी या खालिस्तान में नोटिस दैट ही अप टू ब्लैक पेबल्स अब एक्सरसाइज फोर देखिए एक्सरसाइज फोर में है कि राइट डाउन थ्री मतलब तीन वर्ड्स ईच रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग मतलब ये रिप्रेजेंट करना एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ही शब्द होने हैं नाउन से नाउन शब्द वर्ब है वर्ब शब्द और है तो एडवर्ब शब्द सो so, एडजेक्टिव के लिए हम लोग के पास ये मीन है ओल्ड है शार्प आइड है क्लम्सी है मतलब किसी के बारे में जो बताता है नाउन के बारे में जो बताता है वही ना एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का ये शब्द हो गया नाउन संज्ञा मिंटूराम फेबुल सजेशन ये हो गया प्रॉपर नाउन ये हो गया मटेरियल नाउन ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इस जो भी है ये पूरा नाउन है वर्ब्स ओड कैंसल प्रपोज और भी है केवल हम लोग को तीन शब्द लिखना है इसलिए हम लोग तीन तीन शब्द लिखे हैं एडवर्ब्स सडनली रिलेक्टेंटली इमीडिएटली मतलब एडवर्ब क्या है जो क्रिया के बारे में बताता हो वो है एडवर्ब सो सडनली कुछ कर रहे हैं लेकिन सडनली कर रहे हैं कुछ अग्री किए हैं तो रिलेक्टेंटली किए हैं इमीडिएटली तुरंत किए हैं मैंने वो सर आ, आपका एडजेक्ट एडवर्ब हो गया ठीक है इस एक्सरसाइज फोर के साथ हम लोग इस लेसन का थर्ड वीडियो अंत करते हैं आप लोग अच्छी तरह पढ़िए और खुद को इंग्लिश समझने और परीक्षा अच्छी तरह लिखने लायक बनाइए ठीक है ओके हैव अ नाइस डे थैंक यू